burning your pockets at this point is the rising fuel prices across the country that's impacting the common man. Now, at a time when COVID-induced pandemic is already eating up savings, taking away livelihoods, petrol and diesel prices have seen a sharp spike as well. In the national capital, for example, petrol is at the moment at over 100 rupees a litre, diesel over 89 rupees a litre. This is what the common man has to say about these skyrocketing prices. Rising fuel prices across the country is heavily impacting the pockets and the savings of the common man. In the national capital here, as of today, 1 litre of petrol costs rupees 100.95, which is 5 paise short of the 101 rupees mark, whereas diesel costs 89.92, which is close to almost 90 rupees a litre. We spoke to a lot of people here who have come to refuel and refill their tanks. We spoke to them to ask them what these rising costs of fuel mean to them on a daily basis. They say that in the times of a coronavirus-induced pandemic, they are having a great difficulty in managing not just their monthly savings and their monthly budget, but even their daily costs are being affected. Listen in to what they have to say. पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं तो ऑलरेडी गाड़ी पे चलता था, स्कूटर पे आ गया हूँ। मेरा नाम सुभाष है। क्या करते हैं आप? मैं ये फ्लावर्स होम डिलीवरी कट फ्लावर्स फ्लावर्स होम डिलीवरी करता हूँ। और बस यही कि पेट्रोल का जो दाम है वो डबल हो गया है, इससे थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। मजदूर आदमी है, लकड़ी का रोड का काम, मेरा नाम आदिल है, रोड का काम करते हैं। बताइए 100 रुपए लीटर तेल में क्या होगा, क्या महंगाई, इतनी महंगाई में मजदूर आदमी क्या करेगा, कहाँ से? मजदूर आदमी तो वैसे ही परेशान रहता है, और इतनी महंगाई में कैसे आदमी का सेविंग का अकाउंट कर पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। नाम अजय है मेरा। पहले जो हम काम कर लेते थे 150 रुपये में, 1000-1200 रुपये का, अब कम से कम 400 रुपये का पेट्रोल लगाना पड़ रहा है, तब जाके 1000 रुपये का काम हो रहा है। उसके बाद भी हमें कम से कम, पहले 12 घंटे में काम करते थे, 15-15 घंटे काम करने के बावजूद भी हमें वो पे आउट नहीं मिल पा रहा है। आपका महीने का बजट तो बहुत बढ़ गया होगा। महीने का बजट जहां हम पहले 15-16 हज़ार रुपये में अपना घर चला लेते थे, अब इस टाइम पे 25 हज़ार रुपये में भी नहीं चलाना बहुत मुश्किल है। तो आपकी क्या राय, तो 100 रुपये 101 रुपये तो ऑलमोस्ट टच कर ही गया है, मैम आपकी क्या राय है? मैम अब कुछ सरकार को तो कुछ कह नहीं सकते, काम तो हमें करना है, घर चलाना है, तो और बिना पेट्रोल के हम काम कर ही नहीं सकते। नेचुरल है कि उनको समझना चाहिए कि भाई पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि लोअर क्लास मिडिल क्लास सारे डिपेंड इन्हीं पे ही रहते हैं, और मार्केट में जॉब्स है नहीं, और जो ऑनलाइन बिजनेस है वो सारा बाइक के ऊपर है। एक तो काम नहीं है बिल्कुल भी, एक ये डीजल मार रहा है, 2 रुपया नहीं बचता है। महीने में आपका कितना बढ़ गया है बजट? और महीने में भी बढ़ गया कम से कम, नहीं तो 20,000 से ऊपर बढ़ गया। आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार सरकार की तरफ आपका क्या? सरकार को कम करना चाहिए इसको, बहुत ज्यादा है। ये सरकार का सबसे बड़ा वो है प्रॉब्लम। अब ये बताइए, सब लोग एक समान तो होते नहीं है, कोई अमीर है कोई गरीब है, सब अलग अलग उसमें है। अब अमीर लोग तो खा सकते हैं, कर सकते हैं, अब आम जनता क्या कर सकती है उसमें? आम जनता के लिए तो कुछ पॉसिबल नहीं होता हर चीज। अब ये सारी प्रॉब्लम तो सरकार को देखनी चाहिए। विद कैमरा पर्सन मुर्सलिन इन दिल्ली, सोनाक्षी चक्रवर्ती फॉर NDTV।